दिन की शुरुआत हो इतने खूबसूरत नज़ारे से तो दिन कैसा जाएगा, और उसके साथ एक खूबसूरत और सफ़र। आज मैं हूँ कांसा में। कांसा की खूबसूरती देखने लायक है, और स्पेशली जब मैं पहली बार आइस हॉकी देख रही हूँ। कभी आपने आइस हॉकी देखा इंडिया में? दिस इज़ रियली फर्स्ट टाइम फॉर मी, एंड आई फाउंड दिस अमेजिंग प्लेयर तानजिन। काजा -6°, -8°, -9°, -10° टेम्परेचर पे। वाओ, सो फाइनली रीचिंग टू द की मोनेस्ट्री, एंड ये हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन है। अगर की मोनेस्ट्री को नीचे से देखा जाए ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बिल्कुल एक अलग वाइब देती है। यहाँ पे बेसिकली हम इसको एक्सप्लोर करना है। दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू द की मोनेस्ट्री, तो मैं आपके उसके अंदर जाके ही बताऊँगी इसके बारे में। फिलहाल ये लड़का मेरा गिम्बल भूल गया है। इट इज़ वेरी टफ टू शूट सम शॉट्स, बट विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हाथ से शूट कर पाऊँ। खड़े होकर ना अलग सी ही वाइब्स आती हैं। ये जगह इतनी पॉजिटिव फील होती है ना कि आना वर्थ करता है। सो गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने मोनेस्ट्री के अंदर क्या देखा। मैंने मोनेस्ट्री के अंदर देखी बहुत 10,000 पुरानी पेंटिंग, 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स, और मैंने पिया कावा टाइप ऑफ मतलब हर्बल टी। इट वाज अमेजिंग एंड इट वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग, और उसके साथ बिस्किट सर्व हो रहे थे। एंड दैट वाज एक्चुअली मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, बट यू कैन एक्चुअली डोनेट फॉर दैट इफ यू वांट टू। और अभी हम जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट लोकेशन इज, बताओ रमन हमारी नेक्स्ट लोकेशन क्या है? चीचा नहीं है बड़ा चिल्ला में, वो इट्स चीचम ब्रिज, जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज फाउंड होता है। यार चीचम से पहले हम कहीं रुके हैं बीच में, एंड इट्स इन द वे ऑफ चीचम। हम सिर्फ यहाँ 10 मिनट के लिए रुके हैं, एंड वी आर हेयर टू मतलब एनकाउंटर। एक्चुअली किसको एनकाउंटर करने आए हम? स्नो लेपर्ड को। देख, ही इज लाइक वेरी इंटरेस्ट, लुक एट हिज फेस सिंस। अब मुझे अली तो हंसता हुआ दिख रहा सुबह से, ही इज सो एक्साइटेड। एंड यहाँ पे पता है हवा बहुत तेज है, तो अपने कान हाथ सब ढकना पड़ेगा। अगर मैं दूर का व्यू बताऊँ तो आपको बर्फ ना पहाड़ों में उड़ती हुई दिखेगी इस वक्त। आई एम प्रिटी श्योर मैं थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आवाज़ पहुँचने में यहाँ तक दिक्कत आ रही होगी। सो हेयर यू कैन एक्चुअली स्पॉट स्नो लेपर्ड, अर्गली रेड फॉक्स, ब्लू शीप एंड हिमालयन एब्रेक्स। ये यहाँ के जो हैं ये लोकल एनिमल्स में से काउंट होते हैं। गाइस, जो आपको सामने दिख रहा है ना वो चीचम विलेज है, और मेरे सामने जो नज़ारा है तो आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला खूबसूरत है ना। फिलहाल ठंड लग रही है। और आज की थर्ड डेस्टिनेशन 35 फीट का ये ऊंचा स्टैचू, जिसकी रेनोवेशन हर कुछ टाइम बाद होती है। उसके अलावा यहाँ की वाइब्स एक अलग ही है। अगर आप दूर दूर तक देखोगे ना, यहाँ पे नज़ारे दिखते हैं। एक्चुअली में यहाँ इतनी ठंड थी उस टाइम पर, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज, मेरे ड्रोन फ्लाई करने के प्लान पर पानी फिर चुका था, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं ड्रोन से इस जगह का व्यू कैप्चर करूं। वी कांट फ्लाई विद ड्रोन, हम ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते यार। अली, आई मिस ड्रोन राइट नाउ। एंड वी ट्राइड द अमेजिंग ऑरेंज कावा काइंड ऑफ, और उसके बाद हम अब जाने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट विलेज ऑफ एशिया, एंड वी आर गोइंग टू पोस्ट the letters from the highest post office. So पहुँचते हुए सबसे highest village में, which is actually the highest village of Asia. It is a comic village. मैं नाम भूल रही थी बिकॉज आई ऑलवेज कन्फ्यूज लाइक हिकी में और कॉमिक में। मेरे पीछे मोनेस्ट्री है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है सारी की सारी सोलर पैनल से फिक्स्ड है। पहले यहाँ पे जब लास्ट ईयर में आई थी ना, ये रोड्स नहीं थी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे टाइम पर रोड्स पूरी कच्ची थी, मतलब जैसे ये एरिया ऐसी रोड्स थी, बट अब यहाँ पर रोड्स फैसिलिटी है। मैं ट्रैवल कर रही हूँ सफरनामा के साथ, एंड
यहाँ तक भी एडुकेशन आ चुका है। मेरे सामने ही स्कूल है गाइस, कहीं तो वॉशरूम दिखा मुझे स्पीति में, अब लास्ट ईयर नहीं था पता ये। अब मैं बताना भूल चुकी हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स पे आई एम गिविंग अ गिव अवे गिफ्ट विच इज़ वेरी ह्यूज, जिसमें आप चांस पा सकते हो मेरे साथ ट्रैवल करने का बिल्कुल फ्री। सो गाइस, मैं हूँ इस वक्त हिकिम, और हिकिम से हिकिम इज़ अ हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हो। सो वी ऑल आर फीलिंग द पोस्ट कार्ड टू द लव वंस। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैंने पोस्ट कार्ड किसको भेजा हो सकता है, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।